हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। टुडे वी डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड देन मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन ऑफ ऑल दीज थ्री टर्म्स, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट स्टूडेंट, बिकॉज ऑन द फ्यूचर फर्स्ट डिफरेंस मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस एंटरप्रेन्योर कभी भी स्टार्ट कर सकता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं अगर बिजनेस में उनको कंप्लीट करने के बाद। तो बिजनेस इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। मोस्टली बिजनेस में जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं बहुत कम होती हैं। कुछ बिजनेस है जिनमें लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, तो आफ्टर लाइसेंस के बाद बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रोफेशन, प्रोफेशन जो स्टार्ट करने के लिए प्रोफेशनल जो बॉडी है उनके अंदर मेंबरशिप चाहिए। उसके बाद जब वहां से उन्हें अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा, और उसके बाद वो अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इन एम्प्लॉयमेंट, व्हेन एम्प्लॉयर गिविंग एन एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट लेटर टू दी एम्प्लॉय एज पर सर्विस जो एग्रीमेंट अपॉइंटमेंट लेटर होता है, और वो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तभी वो अपने एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट कर सकता है। सेकेंड, नेचर ऑफ वर्क। इन बिजनेस नेचर ऑफ वर्क इज प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज टू दी पब्लिक। इन प्रोफेशन रेंडरिंग ऑफ प्रोफेशनलाइज्ड रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, मीन्स जो उनके अंदर नॉलेज है, एक्सपर्ट नॉलेज है, उसे वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन्स अपना जो वर्क करेंगे, अपन फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है वो पेशेंट को ट्रीट करेगा, एक एडवोकेट है तो वो अपने केस जो है कंडक्ट करेगा, इस तरह से एक CA है तो वो अकाउंट ऑडिट करेगा, इस प्रकार वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस। जो अपॉइंटमेंट लेटर में जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जो रूल सर्विस के रिटर्न हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करेगा। राइट स्टूडेंट, थर्ड डिफरेंस क्वालिफिकेशन। टू स्टार्ट ए बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, बट इन प्रोफेशन क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड इफ इट मस्ट बी देन ही स्टार्ट द प्रोफेशंस। इन एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि ये डिफर होती है। फोर्थ डिफरेंस, रिवॉर्ड और रिटर्न। रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस किया जाएगा तो प्रॉफिट अर्न होगा। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। प्रोफेशन मीन्स जब हम अपनी सर्विस देते हैं तो एक प्रोफेशनल को फी मिलती है, प्रोफेशनल फी बोलते हैं उसे। और जब एम्प्लॉयमेंट होती है तो फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क किया जाता है। फिजिकल वर्क किया जाएगा तो दे अर्न वेजेस, और मेंटल वर्क करेंगे तो सैलरी अर्न करेंगे। राइट स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कभी प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं, कभी प्रॉफिट और कभी लॉस। और प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी होगी, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस होगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस का साइज अगर स्मॉल है तो कम कैपिटल की नीड होगी बिजनेस को रन करने के लिए। बिजनेस का साइज लार्ज है तो कैपिटल जो है चाहिए वो ज़्यादा चाहिए। इसी तरह नेचर, नेचर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिक्टेट किया था। नेचर मींस ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इफ आपका बिजनेस जो है ट्रेडिंग होगा तो आपको कम कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इन केस ऑफ प्रोफेशंस, लिमिटेड कैपिटल नीडेड एज कंपैरिजन ऑफ बिजनेस।
में कम कैपिटल की जरूरत होती है और इन एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल रिक्वायर्ड, वहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिस्क प्रॉफिट आर द अनसर्टेन इन केस ऑफ बिजनेस बिकॉज इन बिजनेस रिस्क इज प्रेजेंट। बिजनेस में रिस्क होता है और रिस्क से प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, अनसर्टेन हो जाते हैं, कभी लॉसेज होते हैं और कभी इनएडिक्वेट प्रॉफिट होते हैं। प्रोफेशनल को फी मिलती है, इन प्रोफेशंस फी जनरली रेगुलर बट सर्टेन सम रिस्क, एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स एंड रेगुलर पे, नो और लिटल रिस्क, कभी रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, ये होता है तो कभी बहुत कम होता है, और उनकी जो फी होती है, जो उनका जो पेमेंट होती है वो फिक्स होती है, रेगुलर होती है। राइट स्टूडेंट, एंड सेवन डिफरेंस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस के अंदर हम अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर ईजली कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं समटाइम्स, तो उन्हें फुलफिल करके बिजनेस का जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ प्रोफेशन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल, एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज नॉट। कि अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिली है, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, देन आई हैव टू वर्क, आई विल हैव टू वर्क, बट मैं ये नहीं है कि अपनी जगह पर किसी और को काम के लिए भेज सकती हूँ। ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। राइट स्टूडेंट्स, एट्थ कोड ऑफ कंडक्ट। इन बिजनेस नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब्ड। कुछ रूल, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं बट फॉलो करने हैं नहीं करने, इट डिपेंड्स ओनली दी बिजनेस मैन। सो नो फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट इन बिजनेस। इन प्रोफेशंस कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलो। इन प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं बट एम्प्लॉयमेंट में नो कोड ऑफ कंडक्ट, बट जो नॉर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट लेटर्स, अकॉर्डिंग टू एज पर सर्विस रूल्स, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, यस स्टूडेंट, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस शॉप ओपन करना, फैक्ट्री ओपन करना। एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन लीगल मेडिकल प्रोफेशंस, चार्टेड अकाउंटेंट। एंड एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी, इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये जो एग्जाम्पल है तीनों के, नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। वेरियस बिजनेस एक्टिविटी वी हैव टू बी कंडक्ट टू डन द बिजनेस, मीन्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, दीज आर दी, ऑल दीज एक्टिविटी आर डन एट द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री इज द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल कन्वर्ट इंटू फिनिश गुड्स। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज the goods or services, for facilitating the exchange of goods or services। commerce में वो सभी activity include की जाती हैं जो goods or service को production place से consumption place तक पहुंचाती है। तो business activity two types की होती है बेटा, first is industry and second is commerce। दोनों activity को हम business activity में involve करते हैं। Let us discuss one by one. First we discuss the industry and then we discuss commerce. Industry. Industry is a place where raw material are converted into useful goods. Industry एक ऐसी economic activity है जिसमें जो हमारे पास raw material होता है उसको हम conversion करते हैं
और यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि अल्टीमेट किसी भी कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज फॉर एक्टिविटी इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। जनरली जहाँ इंडस्ट्री वर्ड हम यूज करते हैं तो वो एक्टिविटी हमारे अंदर आती है जहाँ पर मशीनरी यूज होती है, जहाँ पर कुछ टेक्निकल स्किल यूज करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। दीज इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। यहाँ ओनली गुड्स की प्रोडक्शन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम ब्रीडिंग भी लेंगे, एनिमल्स की रेजिंग भी लेंगे। टर्म इंडस्ट्री इज यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। ये हम अब तक जो डिस्कस कर रहे थे वो फर्म के बारे में कर रहे थे, लेकिन जब सेम फर्म जो फर्म जो सेम प्रोडक्ट बना रही होती है उसको हम इंडस्ट्रीज के अंदर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फॉर कॉटन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें कॉटन टेक्सटाइल, तो उसमें वो सभी फर्म्स आ जाएंगी जो टेक्सटाइल गुड्स बनाती हैं फ्रॉम कॉटन। सिमिलरली सेम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, उसमें सभी फर्म्स आएंगी जो कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती हैं जो। तो जब एक सेम टाइप की फर्म्स जो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, टोटल जो फर्म्स हो जाती है वो इंडस्ट्रीज में काउंट की जाती हैं। सर्टेन सर्विस लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस आल्सो रेफर टू एज इंडस्ट्रीज। से बैंकिंग इंडस्ट्री इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज इंडस्ट्री में बी डिवाइडेड इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, नेमली प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। हमारी जो इंडस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज। फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, स्टूडेंट डू यू नो व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? यस, प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट को मीन्स मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आती है, प्लांट्स की एटसेट्रा। प्राइमरी इंडस्ट्री अगेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट जेनेटिक एंड सेकेंड एक्सट्रैक्टिव, या फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव सेकंड जेनेटिक। मींस ईजी, हमने एक शॉर्ट फॉर्म जो प्रिपेयर करना जिससे कि आपको ये टाइप्स इजीली लर्न हो जाए, तो फर्स्ट हम इसको ईजी भी बोल सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, द मीनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकली और नेचुरल इन्वायरमेंट आर यूजली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये ऐसे प्रोडक्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के द्वारा सेम यूज किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्टिव जो इंडस्ट्रीज हैं इंक्लूडिंग फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग एटसेट्रा। ये ऐसा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है, और एक फिनिश प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली उनको यूज कर सके ऐसा तैयार करती हैं। सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शंस। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इनके अलावा भी हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है कैटल की ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म्स, फिश
जो ब्रीडिंग, इस टाइप से एग्जांपल्स है हमारे जेनेटिक के। तो प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स जो नेचुरल प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, बट इसमें जेनेटिक इंडस्ट्रीज भी आती हैं। फर्स्ट वी डिस्कस द प्राइमरी एंड देन नाउ वी डिस्कस सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड इन द प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर से मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको यूज करेंगी, और दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स और विच इज सेम यूज बाय समटाइम कंज्यूमर और समटाइम मे बी इन बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन ओर, माइन करके आयरन ओर निकालना एक प्राइमरी इंडस्ट्री में वर्क आता है, बट उसे आयरन ओर से स्टील बनाना उस पर प्रोसेस करके ये इंक्लूड किया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, बट हियर इच फोर पार्ट्स आर गिवन एंड दीज आर फर्स्ट इच Here is two parts are given. First is manufacturing and second is constructed. First is manufacturing industry and second is construction. Manufacturing industry again divided into four parts. First is manufacturing industries. That industries are engaged in producing goods through processing of raw material. जो raw material हमने कहाँ से लिया है? Primary से। और उसके अंदर एक utilities form की जाती है, जिससे कि फिनिश प्रोडक्ट जो तैयार किया जाता है वो कंज्यूम किया जाए कंज्यूमर के द्वारा। इट मीन्स मैन्युफैक्चर पार्ट के अंदर क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना। दीज आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, इन विच वी एनालाइज and separate different element from the same material, such as in the case of oil refinery. ठीक सेम प्रोडक्ट होगा बट उससे कई एलिमेंट्स आप तैयार कर सकते हो। सेकेंड इज सिंथेटिक इंडस्ट्रीज विच कंबाइन वेरियस इंग्रीडियंट्स, जो कई आपके पार्ट्स को मिलाकर जो एक प्रोडक्ट बनता है, मिक्सअप करना जिसको बोलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट जो बनाई जाती है वो हमारी इंडस्ट्री जो के अंदर जब बनती है तो उसमें कई एलिमेंट मिक्स किए जाते हैं। स्टूडेंट नाउ द थर्ड पार्टी इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड इंडस्ट्रीज टू, जो अपने प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी प्रोसेस की जाती है तभी वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर केन कहाँ से आया? प्राइमरी स्टेज से, प्राइमरी इंडस्ट्री से शुगर केन लिया और उस शुगर केन से हमने उसके ऊपर कई प्रोसेस की। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे उसका जूस निकाला, जूस को फिर गर्म किया, पकाया, उसमें कुछ केमिकल्स डाले और फिर शुगर बनती है। इसी तरह पेपर, वुड कहाँ से ली? प्राइमरी इंडस्ट्री से, और उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद पेपर बनेगा तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एंड फोर्थ इज असेंबलिंग इंडस्ट्रीज इन विच डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स आर असेंबल टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, कार, कंप्यूटर, अलग अलग पार्ट्स जो कंपनीज के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनको असेंबल करते हैं और फिर एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो फर्स्ट हमने किया सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और मैन्युफैक्चरिंग आर अगेन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट एनालिटिकल, सेकेंड प्रोसेसिंग, थर्ड हमारी जो है सिंथेटिक, एंड फोर्थ इज असेंबलिंग। एंड नाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, रोड, एज वेल एज जो टनल्स एंड कैनाल्स।
कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड बनाना, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, टर्शरी इंडस्ट्रीज. दीज आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग स्पोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. हमारी जो प्राइमरी जो इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इसको स्पोर्ट कहाँ से मिलती है? टर्शरी इंडस्ट्री से. ये टर्शरी इंडस्ट्री मीन्स, इसको स्मॉल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम? सर्विस इंडस्ट्रीज. और ये सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइमरी को भी और सेकेंडरीज को भी. दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज एज बिजनेस एक्टिविटीज, देयर मे बी कंसिडर पार्ट ऑफ कॉमर्स. ये कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज जो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड जो हम अभी रीड करेंगे, कॉमर्स का पार्ट है, उसमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है. फाइव जो ऑक्सिलरीज हमारी जो ट्रेड की है, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, कम्युनिकेशंस, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो ए सर्विसेज. दीज आर दी ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज मीन्स एड्स. एड मीन्स तो स्टूडेंट, हेल्प जो प्रोवाइड करती है हमारे बिजनेस को. ये सर्विस के बिना जो हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू में जो रन नहीं कर सकते, ये हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है. सो फ्रॉम दिस डायग्राम, दी चार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स. फर्स्ट इंडस्ट्रीज पार्ट दैट डिवाइडेड इंटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी अगेन टू पार्ट, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक. एंड सेकेंडरी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. एंड मैन्युफैक्चरिंग इन फाइव पार्ट्स. मैन्युफैक्चरिंग इन फोर पार्ट्स, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग. दीज आर दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज. एंड नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमर्स. वट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट? फर्स्ट वी क्लियर दिस मीनिंग. कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं, जिसको हम हेल्पर्स भी बोलते हैं. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म एट ट्रेड. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट. बाइंग और सेलिंग सिंपल करने को हम बिजनेस कॉमर्स नहीं बोलेंगे, बट बाइंग और सेलिंग पर्पज क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव, उसे हम ट्रेड बोलते हैं. द पर्सन हु परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रेडर एंड देयर एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रेड. द पर्सन हु परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटी आर कॉल्ड ट्रेडर एंड देयर एक्टिविटी इज ट्रेड. यस राइट स्टूडेंट? यस. एंड ट्रेड ऑफ ऑक्सिलरीज जो ट्रेड है वो क्या है? हमारी हेल्पर है. ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड मीन्स ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, वेयर हाउसेज. इनके बारे में हम पूरी डिटेल में रीड आउट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. अभी ओनली हम जो है कॉमर्स पार्ट को सिंपली जो एक्सप्लेन कर रहे हैं. ट्रेड, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव. ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम? बाइंग और सेलिंग लेते हैं गुड्स और सर्विस की. बाइंग और सेलिंग करना इजी नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर दोनों डिफरेंट प्लेस पर होते हैं, और कॉमर्स क्या करता है? इन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है. वो कंज्यूमर को और मैन्युफैक्चर को
दोनों के अंदर लिंक प्रोवाइड करना मीन्स जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया है उसे कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अदरवाइज क्या होता, अगर ट्रेडर ना होता तो मैन्युफैक्चरर क्या है, कंज्यूमर को ढूंढता रहता, और कंज्यूमर क्या करता, मैन्युफैक्चरर को ही ढूंढता रहता। ट्रेड आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, नोट डाउन द स्टूडेंट, इंटरनल ट्रेड ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। अंडर इंटरनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विस आर बोट एंड सोल्ड इन दी होम करेंसी ओनली। होम करेंसी जो इंडिया जो कंट्री के अंदर होगी उसी करेंसी में जो है ट्रांजेक्शन होंगी। और इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मीन्स होलसेल ट्रेड इट रेफर टू दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन लार्ज क्वांटिटीज। होलसेलर होता है जो बाइंग और सेलिंग का जो ट्रांजेक्शन करता है वो लार्ज क्वांटिटी में करता है। डायरेक्ट गुड्स प्रोड्यूस जो मैन्युफैक्चर कर रहा होता है उससे परचेज करता है और रिटेलर को सेल करता है। मोस्टली जो होलसेलर होता है वो एक लाइन में स्पेशलाइज्ड होता है, एक टाइप के प्रोडक्ट रखता है वो अपने पास और उसका लार्ज स्टॉक उसके पास रहता है। मोस्टली जो हमारा होलसेलर होता है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से जब गुड परचेज करता है तो कैश में पेमेंट करता है और क्रेडिट में सेल करता है रिटेलर को। तो इट मीन्स होलसेलर को बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है एज कंपैरिजन ऑफ रिटेल। बट सेकंड रिटेल इट रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन स्मॉल क्वांटिटीज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज में वो परचेज करता है, किससे परचेज करेगा, होलसेलर से, राइट। एंड सेल दीज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, अल्टीमेट कंज्यूम जो उसे करना चाहते हैं उनको वो सेल करता है। द रिटेलर हैज टू मेंटेन ए वैरायटी ऑफ गुड्स, जो रिटेलर के पास जाते हो आप अपने आसपास की शॉप पे जाते हो तो देखते हो उनके पास बहुत सारी वैरायटी होती है एक सेम प्रोडक्ट की भी। फॉर एग्जाम्पल बाथ सोप मीन्स अगर आप पास की दुकान से परचेज करने जाते हो तो उसके पास बहुत सारी वैरायटीज होंगी, हमाम, लक्स एटसेट्रा, उसके पास बहुत सारी वैरायटी होंगी। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। यस अगेन रिमाइंड स्टूडेंट, होलसेलर ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एंड नाउ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ कंट्री, जो एक कंट्री से बाहर हम ट्रेड करते हैं। इट मीन्स ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इन एक्सटर्नल ट्रेड द मार्केट इज वेरी वाइड। एक्सटर्नल ट्रेड एनेबल द बिजनेसमैन टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इन कॉम्पिटिटिव वे। अपने जो रिसोर्सेज को यूज़ करो अच्छी तरह से यूज़ करो, उनका फुल एफिशिएंसी के साथ यूज़ करो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो और बाहर एक्सपोर्ट करो। द एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व्स कंप्लीशन ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक्सटर्नल ट्रेड करते हुए हमें बहुत से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइसेंसिंग, कस्टम्स क्लियरेंस। एक्सटर्नल ट्रेड आर ऑफ फॉलोइंग टाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एंट्री पोर्ट। स्टूडेंट फर्स्ट वी डिस्कस द एक्सपोर्ट, राइट। एक्सपोर्ट मीन्स इट रेफर टू द सेल ऑफ गुड्स टू ए फॉरन कंट्री, कि जब हम गुड्स एक बार फॉरन कंट्री में बेचते हैं, द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एनक्रेज एक्सपोर्ट एज इट इज रिजल्ट इन इंक्रीजिंग फंड्स रिजर्व।
क्यों करते हैं ऐसा? फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारी इंडिया में क्या आए, फॉरेन करेंसी आए, इम्पोर्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्ट. इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री. सेलिंग नहीं, ओनली बाइंग. सेलिंग को हम लेंगे एक्सपोर्ट में. फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज. कई बार इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी की जाती है जिसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, और कई बार जो इम्पोर्ट किया जाता है वो कंज्यूमेबल गुड्स की जाती हैं. एंड थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट इज एंट्री पोर्ट. एंट्री पोर्ट मीन्स इट रेफर टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट. कि जो इम्पोर्ट हमारी कंट्री में किया गया है किसी बाहर की फॉरेन कंट्री से, किसी दूसरी कंट्री से, और वो पर्पस हमारा उन गुड्स को यूज करना नहीं है बल्कि उन्हें क्या करना है, आगे हमें एक्सपोर्ट करना है. द गुड्स आर परचेज फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री बट नॉट फॉर द कंजम्पशन इन होम कंट्री बट सेलिंग दीज गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्रीज इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट, मार्क दीज लाइन्स. सो वी डिस्कस means external trade means first is export, second is import, and third is entry port. These are very very important terms, and we discuss the part of industries and part of commerce. Commerce part only we discuss trade and auxiliaries of trade discuss in next video. Thank you and have a nice day.